हिमालय टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका दर्शकवृन्दमा म दयाराम अग्रवालको न्यानो अभिवादन। अहिले हामी विशेष कुराकानीमा छौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ आचार्य डाक्टर लोकेश मुनिजी। उहाँ आफैमा एउटा परिचय बनिसक्नु भएको छ र पीस एजुकेसन लगायत सामाजिक विभिन्न कुरीतिहरूलाई हटाउने प्रयासमा लागिराख्नु भएको छ र महिलाहरू माथि हुने विभेदहरू हटाउन पनि लागिराख्नु भएको छ। यही सब विषय कुराकानीमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा आपका स्वागत। ये धर्म, जीवन और विज्ञान, इन तीनों में आपस में द्वंद्व चलता रहता है। इन तीनों को बैलेंस करके कैसे जिया जा सकता है, या यूं कहूं इन तीनों को कैसे बैलेंस में रखा जाए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये धर्म और विज्ञान और जीवन के जिस द्वंद्व की आप चर्चा कर रहे हैं, वो द्वंद्व इसलिए हुआ कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया, जबकि धर्म के तीन आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई क्या है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया, मुनि महाराज के पास गए या गंगा में डुबकी लगाई या मंदिर में जाके घंटा बजा के प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी ये नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, उपासना भी उपयोगी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि उपासना के पीछे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा था, किंतु धर्म का दूसरा आयाम जो है वो जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और उससे भी महत्वपूर्ण है वह है धर्म का तीसरा आयाम, अध्यात्म का अवतरण। जब तक जीवन में अध्यात्म का स्पर्श नहीं होता है, तब हमें धर्म और विज्ञान का द्वंद्व दिखाई देता है। दरअसल में अध्यात्म और विज्ञान के ये दोनों विरोधी नहीं है, हम बहुधा कह देते हैं। विज्ञान का काम है सत्य की खोज, वो लेबोरेटरी के अंदर अनुसंधान करता है। अध्यात्म का भी काम है सत्य की खोज, और अध्यात्म के मनीषियों ने अपने अंतर जगत में प्रवेश करके सत्य का साक्षात्कार किया। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को उठाया था, विनोबा भावे ने भी आगे बढ़ाया। अपेक्षा ये है कि अध्यात्म और विज्ञान के बीच में समन्वय करके अगर कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अभी आपने जिस पीस एजुकेशन की चर्चा की थी, ये पीस एजुकेशन क्या है? पीस एजुकेशन अपने आप में हमारे पर्व अर्वाचीन जो आधुनिक जो है मूल्य, और प्राचीन हमारी ध्यान और योग की जो प्रणाली, दोनों के समन्वय से इसका आविष्कार हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, और जीवन और धर्म का द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व जो है वो है जीवन और संप्रदाय के बीच में, मजहब के बीच में। धर्म का तो अर्थ ही है जीवन जीने की कला। धर्म का सिंपल अगर अर्थ करें, आपको जीवन जीने की कला आ जाए, हम कैसे शांति से जीवन जिए, पीसफुल जीवन जिए, समाधि और समता के साथ जीवन जिए, अरे भला यही तो धर्म है। इसलिए ये जितनी भी दुविधा है, वह दुविधा हमने खड़ी की हुई है। अगर हम धर्म को, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ें, हम अध्यात्म को जीवन से जोड़ें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप शांति दूत के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज का जो समाज है वो पूरी आपाधापी में जी रहा है। शांति कैसे पाई जाए? देखिए, शांति की चर्चा सभी करते हैं, मेरी समझ में मन की शांति के बगैर विश्व शांति का सपना साकार नहीं हो सकता। अगर हमारे मन में क्रोध है, घृणा है, ऐसा व्यक्ति शांति को साकार नहीं कर सकता। शांति की बुनियादी शर्त है पहले मन की शांति, दूसरे के अंदर। मैं इस दुनिया में बहुत बड़ा विरोधाभास देखता हूं। मेरी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि पीस और नॉन वायलेंस पे आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सन्यासी पीस, शांति और अहिंसा के विषय पे लाखों की भीड़ जुटाते हैं,
किंतु जो बदलाव आता है वो केवल संगोष्ठी सेमिनार या सम्मेलन से नहीं, उसके लिए प्रयोग की आवश्यकता है। अगर हमें इस दुनिया में शांति को स्थापित करना है, क्यों कि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। समाधान जो है वो संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, इंटरफेस डायलॉग के द्वारा संभव है। और उसके लिए अगर शांति की बात दुनिया की तमाम सरकारें करती है, शांति के फल चाहती है, अहिंसा के फल चाहती है, किंतु हमारी दुनिया का ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए, उनकी रिसर्च के लिए प्रावधान करता है, अहिंसा का प्रशिक्षण या शांति के प्रशिक्षण का कहीं पाठ्यक्रम चलता हो, मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं हिमालय टीवी के माध्यम से यह जानना चाहूंगा, अगर किसी के ध्यान में है तो मुझे भी पता लगे। हमारा जितना भी आधुनिक एजुकेशन सिस्टम है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित और तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। प्राचीन हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसका आधार ही यही था। प्राचीन ऋषियों ने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात की। आधुनिक मेडिकल साइंस भी जो है इस सत्य को स्वीकार करता है कि सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं ये यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारे इसी मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पांच विकृतियां जन्म लेती है, तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है, जहां मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। अपेक्षा किस बात की है, एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। आज विज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर बच्चे का सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वह हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक हो जाएगा, जैसा पिछले वर्षों वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 32 विद्यार्थियों को शूट करके रख दिया। अपेक्षा है सर्वांगीण और संतुलित विकास की। उसके लिए हमें पीस एजुकेशन को अगर प्राइमरी एजुकेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें इब्राहिम लिंकन ने एक पत्र लिखा था अध्यापक को कि आप मेरे बच्चे को गणित, भूगोल, खगोल पढ़ाएंगे, किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप ये भी पढ़ाएं कि जीवन में जब उतार चढ़ाव आए उस समय कैसे धैर्य रखें, उस समय कैसे मानसिक बैलेंस रखें, उस समय कैसे संतुलन रखें। मैं एक छोटी सी रूपक से बात स्पष्ट करूंगा। एक व्यक्ति रात के समय गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा उसके लाइट नहीं है, रोकने की चेष्टा की कि भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, इसके लाइट ही नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा दर्शकों से कि वह इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, इस क्रम को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं इस दुनिया से हिंसा और आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है, विश्व शांति के सपने को साकार किया जा सकता है। शांति जो है कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यूनेस्को का संविधान भी ये कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। तो इसके लिए पहले मन की शांति, और मन की शांति के लिए हमें मेडिटेशन का भी प्रतिदिन जो है अभ्यास करना चाहिए। आपने जो अभी कहा मेडिटेशन, योगा और मेडिटेशन आज के विश्व में बहुत जल्दी फैल रहा है और लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंसा अपना तांडव दिखाने से बाज नहीं आती। देखिए, योगा और मेडिटेशन इसलिए फैल रहा है कि जब समस्या बढ़ती है, कंठों में प्यास अगर तीव्र होती है तो वहां पर पानी का मूल्य होता है। इस समय इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर जीवन शैली इतनी फास्ट हो चुकी है, और बल्कि कहना चाहिए अस्त व्यस्त हो चुकी है, ऐसे के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, डिप्रेशन उत्पन्न होता है,
और मेडिटेशन और योगा से इन चीजों से राहत मिलती है। मेडिटेशन के अगर प्रयोग है, मैं प्रयोग कराता हूं, अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, डीप ब्रीदिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं उस प्रयोग के द्वारा, जिनके घर परिवार क्रोध के कारण नरक बन चुके थे, वो बिल्कुल जो है आज शांति का जीवन जी रहे। किसी को नशे की आदत है, कान के आसपास एक प्रयोग कराता हूं, उसकी अगर बदलने की इच्छा शक्ति है, भले ही वो आदत से मजबूर है, उस प्रयोग के द्वारा भीतर से रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं, वो हमारे ग्रंथि तंत्र में मिलकर हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मेडिटेशन से उस भीतर में रासायनिक परिवर्तन होता है, फिर वो व्यक्ति नशा नहीं कर पाता है। दूसरी बात जो आपने कही हिंसा की, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि हम जब तक अहिंसा के प्रशिक्षण का उचित पाठ्यक्रम नहीं चलाएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, और केवल हम जो है बीज वपन तो करते हैं आग का, और हम फल अगर आम का चाहें, ये कदापि संभव नहीं है। अगर दुनिया से हमें हिंसा और आतंकवाद को मिटाना है, तो हमें पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ना होगा। एक चीज हमें ये बताइए, जैसे सामने से अगर किसी ने हिंसा की, किसी भी प्रकार की, तो वो जिसके ऊपर की जा रही है, अगर वो उसका प्रतिकार या उसका जवाब ना दे, तो फिर तो उसे कायर कहते हैं लोग, ये कैसे संभव है? देखिए, हिंसा के तीन प्रकार हैं। एक है आरंभजा हिंसा, दूसरी है विरोधजा हिंसा, और तीसरी है संकल्पजा हिंसा। जैन दर्शन में दो और बातें बताई गई, आवश्यक हिंसा और अनावश्यक हिंसा। पहली बात तो, क्योंकि जैन दर्शन ने अहिंसा पर बहुत ही सूक्ष्म में जाकर के चिंतन किया है, एक शरीरधारी प्राणी व्यक्ति आरंभजा हिंसा से नहीं बच सकता, उसे चूल्हा भी जलाना होगा, उसे वनस्पति भी तरकारी भी काटनी होगी, जीवन यापन के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, यह आरंभजा हिंसा है। दूसरी है विरोधजा हिंसा। मान लीजिए आपकी बहन बेटी पे किसी ने इज्जत पे हाथ डाला, तो ऐसा नहीं कि आप उस समय बगल में हाथ डाल कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो आ सकूं। अगर आपके देश पर किसी ने अटैक किया, तो एक देश का नागरिक होने के नाते विरोधजा उस प्रतिकार करने का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। किंतु तीसरी बात है संकल्पजा हिंसा, अनावश्यक हिंसा। जैसे मान लीजिए मच्छर आके मेरे ऊपर बैठ गया, मैं उसको वहां से हटा दूं कि वो मुझे नुकसान न पहुंचाए, समझ में आता है, पर मार दूं, ये अनावश्यक हिंसा है। हमें आवश्यक और अनावश्यक की भेद रेखा को समझना होगा, और फिर भूमिका भेद भी है। एक सन्यासी के लिए अहिंसा का एक अलग भूमिका पे व्यवहार होगा, एक सामान्य ग्रस्त के लिए एक अलग व्यवहार होगा, एक देश की सुरक्षा करना बॉर्डर पे जो सैनिक खड़ा है उसके लिए एक अलग होगा। तो हम इस सारे संदर्भ को सर्वांगीण रूप से अगर हम समझेंगे, तो फिर कठिनाई नहीं होगी। फीमेल चाइल्ड का एवोर्शन और उनकी शिक्षा बहुत बड़ी चिंता का विषय है, विशेषकर भारत, नेपाल और आसपास के देशों में। इसे कैसे कम किया जाए? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। आज बालक और बालिका की जन्म दर में इतना बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो गया है, और समय रहते अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया, तो समाज में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा, मानसिक विकृतियां बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हिंसा बढ़ेगी। इसलिए समय रहते इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए मैंने कुछ वर्षों पूर्व एक पुस्तक लिखी थी, अजन्मा अभिशाप, जिसको उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रिलीज किया था। वो बाद में इंग्लिश वर्जन भी उसका आया, द अनबॉर्न कर्स, और भारत में अहिंसा विश्व भारती संस्था अनेक प्रदेशों में जहां ये प्रॉब्लम अधिक है, काफी बड़े स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चला रही है। मैंने स्वयं ने गुजरात टंकारा से लेकर के अमृतसर तक जो है एक सर्वधर्म जन चेतना जागरण यात्रा का जो है नेतृत्व किया है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, और वह यात्रा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा होते हुए अमृतसर अकाल तक जाकर के संपन्न हुई थी। इस संदर्भ में हमें उसके मूल कारणों में भी जाना होगा, और मूल कारणों के अंदर पहले मेरी भी सोच ये थी पुस्तक लिखने से पहले, गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, किंतु मैं आपसे ये रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं कि ये समस्या गरीब से ज्यादा संपन्न वर्ग में है,
और अशिक्षित से ज्यादा शिक्षित अभिजातीय वर्ग के अंदर है। उसके पीछे हमें दहेज भी एक बड़ा कारण है, डावरी एक बड़ा कारण है। कुछ हमारे समाज में ऐसी रूढ़ परंपराएं, मिथ्या मान्यताएं, अंधविश्वास है, पुत्र के बिना गति नहीं है, पुत्र के बिना दाह संस्कार कौन करेगा, पुत्र के बिना स्वर्ग नहीं है। मुझे आज भी याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे कहा था कि मुनि जी आपने ये ग्रंथ लिख के बड़ा अच्छा काम किया, किंतु मैं ये कहूंगा कि इसका सॉल्यूशन केवल लॉ से नहीं है। जब तक सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे, जब तक सभी धर्मों के धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, तो मैं हिमालय टीवी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी धर्मगुरुओं से, वे नेपाल के हैं चाहे भारत के हैं, और सभी सामाजिक संस्थाओं से कि वो आगे आए और इस समस्या के निवारण के लिए जो है, क्योंकि जब तक लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा, दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, और खासकर नारी का नारी के प्रति नजरिया नहीं बदलेगा, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए सभी धर्मगुरु सामाजिक संगठन मिलकर के इस मानव जाति पर जो एक अभिशाप है, एक कलंक है कन्या भ्रूण हत्या, उसको मिटाने का प्रयास करें। लीडरशिप जो डेवलप की जाती है उसके मुख्य 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 तत्व क्या है? देखिए, लीडरशिप एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है और एक प्रयत्न के द्वारा। नैसर्गिक प्रतिभा उसे विरासत के अंदर जो पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के आता है, हेरिडिटी एक सच्चाई है उसके अंदर, और उसके आधार पर वह विकसित होता है। दूसरा है प्रयत्न के द्वारा। भगवद गीता में भी इस बात पर बल दिया गया, जैन आगमों में भी इस बात पर बल दिया गया कि वैराग्य और अभ्यास, हम अभ्यास के द्वारा जो है अपनी नेतृत्व क्षमता को निखार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा ये विस्तृत विषय है, उस विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ जो है प्रशिक्षण के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि दो बातें हैं, मैंने कहा कि सैद्धांतिक चर्चा के द्वारा हमें जानकारी मिल सकती है, किंतु भीतर का बदलाव है वो प्रयोग के द्वारा आता है। तो इन दोनों आयामों के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ लीडरशिप जो है वो एक निखर करके हमारे सामने आ सकती है। और आपका एक ये भी कहना है, वेजिटेरियनिज्म ये क्यों? नहीं, वेजिटेरियनिज्म इसलिए उसका मूल्य है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने आहार को तीन भागों में बांटा, राजसिकार, तामसिकार और सात्विकार। राजसिकार जिस आहार के अंदर प्रचुर मात्रा में घी मक्खन आदि का प्रयोग होता है, वह हमारे इंद्रियों को उद्दीप्त करता है, प्रदीप्त करता है। दूसरा है तामसिक आहार, जो मांसाहार का निषेध है, इसके पीछे मूल कारण है कि उसकी प्रकृति तमस प्रधान है, हमारे भीतर वो तमस पैदा करती है, उत्तेजना पैदा करती है, आक्रामकता पैदा करती है, और एक शब्द में कहूं तो बिन लादेन प्रवृत्ति को पैदा करती है। तो इसलिए मांसाहार का जो निषेध है वो तामसिक आहार होने से, जबकि सात्विक आहार हमारा जीवन टिकाने में भी सहायक बनता है और हमारा जीवन सात्विक विचारों से ओतप्रोत भी रहता है। क्योंकि ये सच है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और जैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है उसी के आधार पर हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं। इसलिए आहार का, मैं तो अनेक बार कहता हूं कि आहार और अध्यात्म का बड़ा गहरा संबंध है, आहार और विचार का बड़ा संबंध है, आहार और व्यवहार का संबंध है। आहार केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावनाएं, इन सबको प्रभावित करता है। इसलिए शाकाहार का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि वह हमारे जीवन को टिकाने के साथ साथ उसके सात्विक प्रवृत्तियों को बनाए रखने में सहायक बनता है। लेकिन आपने जो सात्विक आहार की जो बात कही, आज का जो विश्व है वो करीब करीब जंक फूड की तरफ दौड़ रहा है, इसे रोकना संभव है? अब देखिए, रोकना संभव नहीं है तो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज जंक फूड से, मैं अभी भी आगामी अगस्त महीने में यूएसए की यात्रा पे जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरे कार्यक्रम है। मैंने पिछले वर्ष भी वहाँ पर गया और मैंने जितना अध्ययन किया देखा है, उस जंक फूड के कारण से आज मोटापा बढ़ता जा रहा है। WHO की ये चिंता है, क्योंकि मोटापा अनेक समस्याओं की जड़ है। मोटापा बढ़ने के साथ अनेक दूसरी बीमारियां जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। जंक फूड को प्रति अवेयरनेस लाने की बहुत आवश्यकता है, वरना हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है वो मोटापे के साथ साथ बहुत सी और बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। इस पे ध्यान देने की
सरकारों को भी जरूरत है और सामाजिक संगठनों को भी जरूरत है। अब जाते जाते धार्मिक चिंतन में आशीर्वाद का अपना एक अलग ही महत्व माना जाता है, आशीर्वाद क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो काम दवा नहीं करती है वो दुआ करती है ना। दुआ का मतलब है अंतर मन की पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ, स्वच्छता के साथ, उज्ज्वलता के साथ किसी दूसरे के प्रति मंगल कामना करना, शुभ की कामना करना, उसके कल्याण की कामना करना, इसको आप जो है दुआ कह सकते हैं, इसको आप आशीर्वाद कह सकते हैं। और इसका जो है दोनों ओर से देने वाला भी निर्मल और पवित्र और ऋजु भावधारा के साथ हो और ग्रहण करने वाला भी जो है निष्काम भावना से हो, तो निश्चित रूप से, क्योंकि विचार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। आशीर्वाद क्या है? विचार की ताकत है, संकल्प की ताकत है, संकल्प उससे भी बड़ी ताकत है ना। तो भीतर का जब सामने वाले का संकल्प बल मजबूत हो, विल पावर मजबूत हो और वो कोई भी भावना मंगल की कल्याण की करता है, इसीलिए हमारे यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम की जो कल्पना की गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो बात कही गई है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मैं भी हिमालय टीवी का और हिमालय टीवी के माध्यम से समस्त नेपाल वासियों का भी मंगल कामना करता हूँ, उनके जीवन के आध्यात्मिक विकास और उन्नयन के लिए। और ये भी कामना करता हूँ कि नेपाल और भारत पड़ोसी देश है और आपस में पड़ोसी एक दूसरे के लिए जो है अच्छे विकास के लिए साथ में आए। और इसीलिए आह्वान कर रहा हूं, आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ओ धन्यवाद दर्शक वृंद। अहिले दर्शक वृंद, अहिले भर्खरै हामी कुरा गर्दै थियौं आचार्य डाक्टर लोकेश मुनिजीसँग, उहाँका विचारहरू सुन्नुभयो, यसमा अवश्य ध्यान दिनुहुनेछ। यति भन्दै बिदा हुन्छु, नमस्कार।